हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉयस किचन। आज की रेसिपी है मावा पेड़े। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। होली का मंथ शुरू हो गया है, तो चलिए शुरुआत मीठे से करते हैं। तो मावा पेड़े बनाने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, 500 ग्राम मैंने मावा लिया है। ये मैं मिठाई की शॉप से लाई हूँ, किसी भी अच्छी मिठाई शॉप पर आपको मावा मिल जाएगा। ये बहुत ही सॉफ्ट मावा है। अगर आपको हार्ड मावा मिलता है तो आप उसे एक बार कद्दूकस कर लें या अच्छे से हाथों से क्रम्बल कर लें, उसके बाद ही उसको कढ़ाई में डालें। तो ये एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट पैकेट से मैंने कढ़ाई में इसको डाल दिया है। अब हमें इसको भूनना है, तो मोटे तले की कढ़ाई लें और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, धीमी आंच पे इसको भूनना है, जब तक कि ये घी ना छोड़ दे। आप इसे भूनते जाएंगी और इसमें से खुशबू हल्की हल्की आएगी और इसका कलर भी चेंज होगा, ये हल्का गुलाबी रंग का हो जाएगा। देखिए, अब मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए, तो अब ये थोड़ा सा लिक्विड कंसिस्टेंसी में आ गया है और इसे ऐसे ही चलाते रहना है और 5 से 7 मिनट में ये वापस एक साथ हो जाएगा और थोड़ा गुलाबी रंग ले लेगा। ये देखिए, मावा पूरी तरीके से भून चुका है, खुशबू आने लगी है। गैस को मैंने बंद कर दिया है और मावे को ठंडा होने देंगे। मावे को मैंने एक परात में निकाल दिया था ठंडा होने के लिए और ये देखिए बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसको अब हाथों से क्रम्बल कर लेना है, क्योंकि अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। चीनी पीसी हुई मैंने घर में मिक्सी में पीसी है। चीनी बहुत अच्छे से मावे में मिलाने के लिए दोनों हाथों से रगड़ रगड़ के, रब करके दोनों हाथों से अच्छे से इसको मिला दें, क्योंकि चीनी में क्या है कि गुठलियाँ रह जाती हैं, वो फिर पेड़े खाते समय मुंह में आएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी। ये मैंने नारियल का बुरादा लिया है, आप फ्रेश कोकोनट भी ले सकते हैं। इलायची पाउडर मैंने डाला है इसमें। अच्छे से सब चीज़ों को मिला के स्मूथ कर लेना है। सारी चीज़ों के मिल जाने के बाद अब बस पेड़े बनेंगे बहुत जल्दी जल्दी। ये पेड़ा मेकर है, पेड़ा मेकर मशीन है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप भी वहाँ से मंगा सकते हैं। इसमें सांचे होते हैं 2-3, जो भी डिज़ाइन आपको पेड़े पे डालनी हो वो आप इसमें सांचा लगा दें और उसी डिज़ाइन के पेड़े बनेंगे, जैसे मैंने इसमें लगा दिया है। यहाँ से मैं डालूंगी इसमें खोया और पीछे से प्रेस करके दबा देना और पेड़ा बनके रेडी है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, हाईली रिकमेंडेड। अक्सर घर में मीठा खाने का मन होता है, पेड़े बनाएं, स्टोर करके रखें, इसे 15 दिन तक आप रख सकते हैं और जब मन हो पेड़े वेड़े आप ऐसे ही बना के खा सकते हैं। इसमें मैंने डाला मावा, हल्का सा प्रेस करूँगी और इसको इस तरीके से एक बार प्रेस करना है। ग्रीसिंग वगैरह की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये देखिए, क्योंकि खोए में तो अपना ही ऑयल होता है, घी होता है। इतना सुंदर पेड़ा बन के निकला है। मुझे पर्सनली ये साँचा बहुत पसंद है, मैं अक्सर बनाती हूँ, मेरे बच्चे पसंद करते हैं डिज़ाइन वाले पेड़े और घर की मिठाई खाते हैं। इस तरीके से मैंने फिर से इसमें खोया रख के दबा दिया। ये देखिए, पेड़ा बन के रेडी है। इसी तरीके से मैं सारे पेड़े बना लूँगी। मोटा पतला आपको कैसा चाहिए उस हिसाब से आप खोया भरें इसमें। बहुत ही जल्दी ये काम होता है। ये देखिए, एक अलग डिज़ाइन मैंने बनाई। पेड़े बनके रेडी हैं, इन्हें मैंने हल्के पिस्ता से और गुलाब की पत्तियों से गार्निश किया है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरे चैनल जॉयस किचन को सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी यम्मी डिलीशियस रेसिपी। मैं फिर हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।